Hello friends and welcome to the exams made simple. We are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 12th of February 2024. बारह फरवरी दो हज़ार चौबीस के एनालिसिस देखेंगे आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स लाइक जरूर करिएगा एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है आप लोग वो भी पूरा नहीं करते हैं तो प्लीज डू लाइक इट एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स जितने लोग देख रहे हैं सब लाइक करें ठीक है ना इसके अलावा एक चीज़ बता दूँ कि करंट अफेयर्स की रिविजन सीरीज जो कि पूरे साल भर का करंट अफेयर्स आपका कवर करवाएगी वो और दूसरा सी सैट का कोर्स हमने स्टार्ट किया है तो अगर आपको लगता है कि किसी भी पार्ट में आप ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए हैं या ज़्यादा वीक रह गए हैं तो आप यू पी एस सी दो हज़ार चौबीस के लिए ज्वाइन कर सकते हैं हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगी वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है ना स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस को सबसे पहले हम प्रीलिम्स क्वेश्चंस ऑफ द डे एंड मैप ऑफ द डे दोनों के साथ ठीक है ना तो सबसे पहले हम प्रीलिम्स क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ अगर आते हैं तो पहला सवाल है सारथी पोर्टल रिसेंटली सीन इन न्यूज वाज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री अभी दो तीन दिन पहले ही लॉन्च किया गया है सारथी पोर्टल हालांकि एक पहले भी था सारथी मै आपको दोनों बता दूंगा इसका ऑप्शन आपका आपको दिख रहा होगा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एमपावरमेंट आपको बताना है कि सारथी पोर्टल अभी रिसेंटली

अब आप लोग सोचिए आंसर देने की कोशिश करिए मैं आपको आंसर बता दूं इसका आंसर है वन एंड टू केवल दो ये जो ऊपर के दो लॉज है ना इनके अंतर्गत वो सिविल केस सिविल केसेस को ट्राई करता है बाकी दो में नहीं करता है तो किस में नहीं करता है, ये मैंने कई बार आपको जब एनजीटी पढ़ाया है ना तो मैंने इसी तरीके से आपको पढ़ाया था कि आप ये याद रखेगा कि नाइनटीन का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट उसमें नहीं करता है और फॉरेस्ट राइट एक्ट दो में भी नहीं करता है ठीक है ना और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यूपीसी इसको इसको टारगेट कर सकता है पूछ सकता है दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई प यू गॉट क्लैरिटी नीचे मैं थोड़ा आपको बता कि कौन कौन से लॉज में करता है तो ये ये लॉज लिखे वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट नाइनटीन दूसरा वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन सेस एक्ट ऑफ नाइनटीन तीसरा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 चौथा ये एयर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट ऑफ नाइनटीन पांचवा है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 देन पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 इन सारे केसेस में सिविल लॉ के रूप में ट्राई करता है वो ठीक है ना अगला सवाल है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट तो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज अ बाइनियल फ्लैगशिप इवेंट ऑफ द एनर्जी एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट दूसरा कह रहा है इट इज दी ओनली इट इज दी ओनली इंडिपेंडेंटली कन्वीनड इंटरनेशनल समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट बेस्ड ऑन द ग्लोबल साउथ आपको बताना है कि कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है वन ओनली टू ओनली बोथ ही अब इसका जो आंसर है वो आप लोग सोचिए थोड़ा मैं इसका आंसर बता दूं इट द आंसर इज टू ओनली अब कई लोगों ने पहला भी मार्क किया रहा होगा तो पहला क्यों गलत है क्योंकि लिखा है बाइनियल फ्लैगशिप इवेंट बाइनियल नहीं है ये एनुअल इवेंट है ना है टेरी का ही यानी कि है एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट का ही लेकिन ये बाइनियल नहीं है एनुअल इवेंट है तो दैट इज इट इज रॉन्ग तो इसका जो करेक्ट आंसर है टू ओनली हो जाएगा तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस थ्री क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे अब आगे मूव करते हैं और देख लेते हैं थोड़ा कोर्ट ऑफ द डे कोर्ट ऑफ द डे जो मैंने आज लिया है वो है ओनली द डेड हैव सीन द एंड ऑफ द वॉर ये प्लेटो का कोट है बहुत ही फेमस कोट है ओनली द डेड हैव सीन द एंड ऑफ द वॉर मतलब इसमें दो तरीके से आप इसको ले सकते हैं पहला तो है कि जो वॉर नेवर एंडिंग होता है नेवर एंडिंग होता है मतलब कि कभी खत्म होने वाला होता नहीं है वॉर हमेशा चलता रहता है आज भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स है वर्ल्ड में वॉर के आप देख सकते हैं एंड द फाइनल कल्मिनेशन जो होता है वो डेथ पे जाकर होता है मतलब कि वॉर इज ट्रीटेड एज

मतलब वी कैन नॉट से की वॉर इज वेरी इंपॉर्टेंट वॉर इज नेसेसरी इसलिए ये वो लिखा गया आई होप यू गॉट क्लैरिटी आप इसको थोड़ा सा समझेंगे दूसरा मैप ऑफ द डे में आज मैंने फिनलैंड को लिया तो फिनलैंड पहले तो हम कंट्रीज देख लेते हैं कौन कौन सी हैं तो फिनलैंड से टच होती है इधर नॉर्वे आपका टच होता है आ, देन इधर साइड आपका रशिया वाला पोर्शन भी टच होता है तो रशिया भी बॉर्डर शेयर करता है फिनलैंड के साथ ठीक है ना आ, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा दिस इज नॉर्वे दिस इज देन स्वीडन एंड देन यहाँ पे फिनलैंड नॉर्वे स्वीडन और यहां पे दोनों टच करते हैं देन इधर रशिया टच करता है ठीक है आई होप यू वॉट क्लैरिटी अब यहां पे वाटर बॉडी में देखो गल्फ ऑफ बोथनिया है देर इज अ गल्फ ऑफ बोथनिया बिटवीन स्वीडन एंड फिनलैंड स्वीडन और फिनलैंड के बीच में गल्फ ऑफ बोथनिया है देन स्वीडन देन फिनलैंड के नीचे दो वाटर बॉडीज हैं एक तो गल्फ ऑफ फिनलैंड है हेलसिंकी जो उसकी कैपिटल है उसके वाले पार्ट में और दूसरा बाल्टिक सी इधर साइड है ना तो बाल्टिक सी और गल्फ ऑफ फिनलैंड दोनों टच करते हैं गल्फ ऑफ बोथनिया है ही एंड ऊपर जो बैरन सी है वो टच नहीं करता है फिनलैंड को तो आप देख सकते हैं सी वाला पोर्शन नॉर्वे को 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 टच 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 कर 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 रहा 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 है है रशिया बट फिनलैंड नहीं तो सी नहीं टच करता है तो ये एक थोड़ा सा मैप आप आपके लिए तो सबसे पहले जो पहली न्यूज है, वो है, की ही, आ, की आज नहीं है क्या सेकेंड पेज से okay so let's move ahead now huh पहली हाँ पहली जो न्यूज है वो यहाँ पे तीसरे पेज पे है पहली देखो एस एफ आई ओ प्रोफ एस एफ आई ओ वीना टर्म्स एस एफ आई ओ प्रोफ अगेंस्ट हर आई टी अगर आई टी फर्म इलीगल तो यहाँ पे न्यूज़ क्या है हमको वो नहीं देखनी है हमको देखना है एस एफ आई ओ के बारे में यानी कि सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के बारे में सीरियस फ्रॉड्स इन्वेस्टिगेशन ऑफिस बोलते हैं इसको एक डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंतर्गत याद रखेगा एस एफ आई ओ क्या है एक मल्टी uh, डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत आती है और इसमें अकाउंटेंसी फॉरेंसिक ऑडिटिंग लॉ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्वेस्टिगेशन कंपनी लॉ कैपिटल मार्केट यहाँ सबकी जो एक्सपर्ट्स रहते हैं ना वो इस बॉडी के अंतर्गत आते हैं और ये ज़्यादातर प्रोसिक्यूट करते हैं इन द वाइट कॉलर क्राइम्स या फ्रॉड मतलब कि जो कंपनी रिलेटेड फ्रॉड्स रहते हैं ना उनको ये ज्यादातर जा, जा, पकड़ते हैं वाइट कॉलर क्राइम्स वाइट कॉलर जॉब्स के जो क्राइम होते हैं हेड ऑफिस इसका नी डेली में है आ, दो में एस की मदद के लिए एक कंप्यूटर फोरेंसिक एंड डाटा माइनिंग लेबोरेटरी भी बनाई गई थी याद रखेगा दो में कंप्यूटर फोरेंसिक एंड डाटा माइनिंग लेबोरेट बनाई गई थी 2013 में एंड दैट वाज टू सपोर्ट द एसएफआईओ इन इट्स इन्वेस्टिगेशन एस एफ को हेड करता है डायरेक्टर डायरेक्टर हेड्स दिस एसएफआईओ एंड इसकी रैंक होती जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस एफ आई ओ पहली बार जब बना था तो इसको एक रेजोल्यूशन के थ्रू बनाया गया था दो दो हज़ार तीन में टू थाउजेंड थ्री में इसको रेजोल्यूशन के थ्रू बनाया गया था दो जुलाई दो हजार तीन को एंड उसके बाद जब ये बना था नीचली तो इस पर है फॉर्मल लीगल स्टेटस नहीं स्टेट्यूटरी बॉडी नहीं है कि रेजोल्यूशन के थ्रू बना था लेकिन बाद में इसको स्टेट्यूटरी बॉडी के थ्रू बनाया गया एंड इसको कंपनीज लॉ जो कंपनीज एक्ट है दो हज़ार तेरह का उसके अंतर्गत सेक्शन टू हंड्रेड एंड एलेवन सेक्शन दो सौ ग्यारह कंपनीज एक्ट दो हज़ार तेरह के अंतर्गत फिर इसको स्टेट

तो पहले तो याद रखिएगा जो नंदयाल लिखा हुआ ना ये आंध्र प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है नंदेल डिस्ट्रिक्ट है और वहाँ पे रोला पाड़ू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो ये लोकेशन पहले याद रखिएगा देखो लिखा है रोल्लापाड़ू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो प्लीज नोट डाउन दिस लोकेशन एज वेल एंड दिस इज इन आंध्र प्रदेश नंदयाल इज इन आंध्र प्रदेश अब यहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इस साल नहीं आए है ना तो यहाँ तो आते थे बट इस साल नहीं आए तो इसके लिए मैं आपको बता दूँ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है दैट इज अ वेरी वेरी रेयर बर्ड कहना चाहिए एंड क्रिटिकली इंडेंजर्ड है सौ से डेढ़ सौ के नंबर में बची हुई है ये इट्स इट्स अ क्रिटिकली बर्ड एंड थोड़ा इसके फैक्ट्स बता दूं आपको कि इसकी जो ग्रोथ होती है एक मीटर हाइट तक होती है वेट जो इसका होता है वो पंद्रह किलो तक होता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है आयु के अंतर्गत ये याद रखेगा है ना और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जो साइंटिफिक uh, नेम है वो आर्डियोटिस

अपने आप में एक रीज़न है हमेशा रहता है एंड एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन के कारण जो इनके हम इंक्रोच कर गए इनके एरियाज़ को वो दैट वाज़ द मेजर रीज़न फॉर द थ्रेट ऑफ दिस प्रोटेक्शन uh, स्टेटस की बात करें तो आई में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है साइट्स uh, में ये अपेंडिक्स वन में है सीएमएस यानी कि जो बॉर्न कन्वेंशन है कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज उसके अपेंडिक्स वन में है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन के शेड्यूल वन में है ठीक है ना एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें है कि इसका कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर बनाया गया है तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज और राजस्थान गवर्नमेंट एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इन तीनों ने मिल करके कंजर्वेशन ब्रीडिंग फैसिलिटी बनाई है डेजर्ट नेशनल पार्क में जो कि जैसलमेर राजस्थान में है दो हजार उन्नीस से ये काम कर रही है कंजर्वेशन ब्रीडिंग फैसिलिटी आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज ये समझ में आ गया होगा आपको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में भी एस के बारे में भी आगे मूव करते हैं एवरेज एनुअल सिटिंग डेज इन लोकसभा डाउन टू 55 तो एवरेज एनुअल सिटिंग जो है डेज uh, जो थे जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे वो लगभग 135 थे अभी हम सेवनटीन लोकसभा में है uh, और अभी जो नंबर ऑफ डेज है फॉर द सिटिंग वो डिक्रीज हो गए हैं लोकसभा के लिए फॉर 55 डेज ओनली एवरेज इन ईयर है ना एवरेजिंग इन ईयर पचपन दिन ही बचे हैं तो एक तो एक चीज जो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है वो है कि जो नंबर ऑफ सिटिंग्स है वो कम हो गई हैं दूसरी जो सिटिंग यहाँ

बट सेवेंटी लोकसभा वॉज द फर्स्ट टू फंक्शन विदाउट डेप्यूटी स्पीकर तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा आपका आपके लिए एंड इसके अलावा तीसरा फैक्ट चौथर ने इस आर्टिकल में बताया वो ये है कि के जो फिफ्टी एट परसेंट बिल पास हुए इस बार के वो ज़्यादातर दो दो हफ्तों के अंदर ही पास हो गए और कुछ तो बहुत बड़े जो बिल थे जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन बिल दो हज़ार तेईस दो हज़ार उन्नीस वेमेन रिजर्वेशन बिल दो हजार तेईस ये तो दो दिन के अंदर पास कर दिए गए मतलब कि रेफरेंस जो है बिल्स का टू द सेलेक्ट कमिटीज वो बहुत कम हो गया है है ना सेलेक्ट कमिटीज का इनपुट बहुत नहीं मिल रहा जो बिल आ रहा है एज इट इज पास हो जा रहा है तो ये ये सारे इशूज यहाँ पे हाईलाइट किए गए हैं आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट अगला टॉपिक है ओवर थ्री लैख आशा अप्लाई फॉर सेंटर्स हेल्थ केयर अब सेंटर का आपको पता है कि जो हमारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना वो एक पिलर है आयुष्मान भारत के अंतर्गत है ना तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में गवर्नमेंट क्या करती है कि हेल्थ कवरेज देती है अप टू फाइव लैख अ ईयर पाँच लाख रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से देती है फॉर पुअर एंड वल्नरेबल फैमिलीज ठीक है ना एंड इसमें उन्होंने डिसीजन लिया है कि जो जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो मतलब आशा आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं दे विल बी इंक्लूडेड अंडर दिस प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ठीक है ना ये अभी तो चौबीस पच्चीस में अंतरिम बजट के समय उन्होंने दिया और उनके देने के बाद लगभग तीन लाख से ज़्यादा आशा वर्कर्स जो हैं अलग अलग, अलग स्टेट्स में उन्होंने अप्लाई कर दिया है फॉर दिस प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना याद रखिएगा आयुष्मान भारत के दो पिलर थे एक तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना था दूसरा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर था है ना तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया जाता है और दूसरा ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसके अंतर्गत आपका हेल्थ कवरेज मिलता है पाँच लाख रुपये प्रति वर्ष का फॉर द ये फॉर दिस है ना तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दैट आपको समझ में सेकेंडरी इन ट्रेशरी को मिलता है आगे मूव करते हैं यहाँ पे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है यहाँ पे देखो लिखा है द पैटर्न ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आर मोर इम्पॉर्टेंट इट्स लेवल इस आर्टिकल में आप कुछ मत पढ़िए तो भी चल जाएगा बस एक चीज पढ़ लीजिएगा मैं आपको बता देता हूँ एक एक टेक्निक यहाँ पे लिखी है टेम्परेचर मेजरमेंट करने की उसका नाम है पैलियोप्रॉक्सी लिख लीजिए आप लोग पैलियोथर्मोमेट्री भी कहते हैं कुछ लोग पैलियोप्रॉक्सी भी कहते हैं कुछ लोग इट्स अ टेक्निक जिसमें केमिकल एविडेंसेस का यूज किया जाता है जो कि अलग अलग ऑर्गेनिक मैटर में स्टोर्ड रहता है ना ऑर्गेनिक जैसे मान लो एक फूल मिल गया इनको सपोज करो अब उस फूल के अंदर का ऑर्गेनिक मैटर निकालेंगे कोरल्स हैं कोरल्स

पैलियो यानी पास्ट और प्रॉक्सी यानी कि प्रॉक्सी मेथड के थ्रू इसको निकाला जाता है तो पैलियो प्रॉक्सी कहा जाता है तो ये टेम्परेचर डिटर्मिनेशन का मेथड है आगे मूव करते हैं अगले टॉपिक पे आते हैं अगला टॉपिक है ब्रूमेशन व्हाट इज दिस ब्रूमेशन नाउ तो ब्रूमेशन एक्चुअली में जैसे आपने हाइबरनेशन सुना है ना मैमल्स के केस में हाइबरनेशन सुना होगा कि हाइबरनेशन में चले गए बेयर वेयर जाते हैं एस्टिवेशन सुना होगा गर्मी के टाइम पे समर में एस्टिवेशन में जाते हैं वैसे ही विंटर के टाइम में जो रेप्टाइल्स हैं वो ब्रूमेशन में जाते हैं ये भी वही डॉर्मेंसी का ही स्टेज है डॉर्मेंसी यानी कि स्लोड एक्टिविटी का इसमें बहुत कम वो अपनी एक्टिविटी बहुत कम कर देते हैं क्योंकि ऑब्वियसली बात है इस समय एक तो टेम्परेचर बहुत कम रहता है और तो बहुत ज्यादा वो उनकी जो प्रे है वो मिलते नहीं है तो इस कारण से वो इस समय पूरा अपना रेप्टाइल्स जो है वो या तो अंडरग्राउंड बेरोज में चले जाते हैं या फिर वो शेल्टर में चले जाते हैं जहां पर टेम्परेचर थोड़ा स्टेबल रहे ज्यादा मेटाबॉलिज्म उनका बिल्कुल स्लो कर देते हैं ऐसे टाइम पीरियड पर वो एंड दिस इज द पीरियड ऑफ रिड्यूज एक्टिविटी एंड मैमल्स इसमें अपनी एनर... ये सॉरी रेप्टाइल्स अपनी एनर्जी कंजर्व करते हैं एंड अपने रिसोर्स रिक्वायरमेंट को भी बिल्कुल मिनिमम बना देते हैं सो दैट इज ब्रूमेशन फॉर यू आई होप यू गॉट क्लैरिटी अगले

श्री अक्सर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था जो है धाबी में ये टेम्पल बना बना रही है तो इसको बैप्स टेम्पल बोलते हैं ठीक है आ, दूसरा फैक्ट यहाँ पे ऑथर ने दिया है वो ये दिया है कि जो हमारा बायलेटरल ट्रेड है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है 85 फाइव बिलियन डॉलर 2022 हज़ार बाईस हमारा ट्रेड पहुंच चुका है एंड दिस हैज़ मेड यूएई ए इंडिया थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया का तीसरा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है यू ए इसमें एंड इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन भी है इसके अलावा यू की अगर हम बात करें इट इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट ओवरऑल इन्वेस्टर इन इंडिया ऑल्सो इसके अलावा हमने इंडिया यूएई के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऑलरेडी कर लिया है सीईपीए दो हज़ार बाईस में साइन हुआ था ये रिकॉर्ड टाइम ऑफ एटी एट डेज में साइन किया गया सी ई पी ए इंडिया यू ए के बीच का एंड द एम इज टू इंक्रीज द ट्रेड्स इन सर्विसेज केवल जो सर्विसेज वाला पार्ट है वो एक सौ पंद्रह बिलियन डॉलर तक बना बढ़ाना है पाँच सालों में ठीक है ना एंड इंडियन गवर्नमेंट हैज हैल्सो अप्रप्रूव साइनिंग एंड रेटिफिकेशन ऑफ बाईल इन्वेस्टमेंट ट्रिटी विद द यू तो अभी एक फरवरी 2024 को ही इंडिया और यू ने एक बाईलिटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी भी साइन कर ली है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग एंड एफ रिलेटेड जो टर्म्स हैं वो डिस्कस किए गए हैं इसके अलावा दुबई यानी कि जो आपका यू है वहाँ पर रुपे कार्ड जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है प्लस uh, uh, ये रूपी दरहम ट्रेड भी जो है ये भी अलाउ किया गया तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टेकन बाय द यू गवर्नमेंट एंड काफी इंपॉर्टेंट आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट फिर यू हमारा ट्रस्टेड पार्टनर है एनर्जी सिक्योरिटी में भी एंड इट इज दी नेशन फ्रॉम द रीजन विच हैज स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व स्टोर्ड इन इंडिया तो काफ़ी बड़ी बात है प्लस आई टू का एक मेंबर यू और इंडिया दोनों है इंडिया आपको पता है इसराइल और दूसरा यू एंड यू ये आई टू का जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसके अलावा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर उसमें भी यू पार्ट है एंड दैट इज सीन एज राइवल टू चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव तो काफी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मैंने डिस्कस की यहाँ पे इंडिया यू के रिलेशनशिप के बारे में आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज आप मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं देन लास्ट यहाँ पे राफा uh, ऑपरेशन uh, देखो लिखा है नेतन्याहू ने कहा कि भैया हम आपको पैलेस्टीनियंस को राफा से सेफली निकलने देंगे तो थोड़ा सा राफा क्रॉसिंग के बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ मैप में कि राफा क्रॉसिंग कैसा दिखता है तो लेट्स सी यह आपका देखो मेडिटेरेनियन सी है ऊपर देन यहाँ पे आपका मेडिटेरेनियन के City, आ, साथ ही बॉर्डर में गाजा सिटी जो कि इधर साइड आपका इसराइल के साथ है गाजा आपको दिख रहा होगा देन आपको इजिप्ट दिख रहा होगा और इजिप्ट इसराइल के बीच में ही इधर साइड आपका राफा क्रॉसिंग है गाजा और इजिप्ट के बीच में देखो यहाँ पे राफा क्रॉसिंग है ठीक है तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस राफा क्रॉसिंग आपका इजिप्ट वाले पार्ट में है तो अगर कभी आपसे पूछे कि राफा क्रॉसिंग से वो जॉर्डन निकल जाते हैं तो गलत है गाजा से राफा क्रॉसिंग करके वो इजिप्ट पहुंचेंगे ठीक है ना आई होप यू गॉट क्लैरिटी बाकी नोट मैंने पूरे डाल दिए हैं आप वेबसाइट पर आके देख सकते हैं दैट इज इट फॉर द डे आई होप यू लाइक दर वीडियो प्लीज यू लाइक सब्सक्राइब कीप लविंग एस कीप शेयरिंग एस थैंक यू एंड है नाइस डे